बेंजामिन नेतन्याहू ने मुंबई में सुबह नाश्ते पर की उद्योगपतियों से मुलाकात, दोनों देशों के बीच कारोबार बढ़ाने पर हुई चर्चा। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस मौके पर कहा, भारत इजराइल मिलकर कर सकते हैं कमाल, नए आविष्कार को बढ़ावा देने की जरूरत। इजरायली पीएम आ जाएंगे नरिमन हाउस, मोशे और उसके परिवार के साथ मेमोरियल का करेंगे उद्घाटन। परिवार के साथ इजरायल से मुंबई पहुंचा है 11 साल का मोशे। 2008 में नरिमन हाउस पर हुए आतंकी हमले में माता पिता की गई थी जान। शाम को डिनर पर बॉलीवुड के दिग्गज हस्तियों से मिलेंगे नेतन्याहू, अमिताभ बच्चन समेत कई सितारों को न्योता। यूपी के मथुरा में बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान 8 साल के मासूम को लगी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम, मामले की जांच। मासूम की मौत से पुलिस महकमे में हड़कंप, आला अधिकारियों ने पीड़ित परिवार से मिलकर मुआवजे का किया ऐलान। लखनऊ में ब्राइटलैंड स्कूल कांड में खुलासा, स्कूल की छात्रा ने छुट्टी कराने के मकसद से छात्र को मारा चाकू। आरोपी सातवीं की छात्रा ने बच्चे को प्रिंसिपल के बुलाने के बहाने ले गई, चाकू मारने के बाद बच्चे के को बाथरूम में किया बंद। छात्रा पर हाथ काटने और परीक्षा की कॉपी घर ले जाने की पहले से थी शिकायत। बजट से पहले झूमा शेयर बाजार, सेंसेक्स में ऐतिहासिक उछाल, पहुंचा 35,400 के पार, निफ्टी पहुंचा 11,000 के करीब। आज दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक, 50 से 60 वस्तुओं पर जीएसटी की दरें कम करने पर हो सकता है फैसला। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में करने की रखी मांग, बैठक में हो सकता है विचार। तीन राज्यों में आज विधानसभा चुनाव का ऐलान, मेघालय, त्रिपुरा और नागालैंड में चुनावी घमासान की तारीख होगी तय। जजों के विवाद को सुलझाने की कोशिश जारी, आरोप लगाने वाले चारों जज सीजेआई दीपक मिश्रा से की मुलाकात। नापाक फंडिंग पर आज तक के खुलासे का बड़ा असर, 7 अलगाववादी नेताओं के खिलाफ एनआईए की 5,000 पन्नों की चार्जशीट। आरएसपुरा सेक्टर और अन्य में नापाक गोलीबारी के खिलाफ भारत का मुंह तोड़ जवाब, 3 पाकिस्तानी रेंजर्स ढेर। बीती रात पाकिस्तान की ओर से फायरिंग, बीएसएफ का एक जवान हुआ था शहीद। हरियाणा में नहीं थम रही रेप की घटनाएं, हिसार में 3.5 साल की बच्ची से रेप, फतेहाबाद में घर में घुसकर युवती से सामूहिक बलात्कार। इस सारे मासूम बच्ची को पड़ोस में रहने वाले नाबालिग ने बनाया हवस का शिकार, आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। फिल्म पद्मावत को आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर का साथ, कहा बेवजह हो रहा है विरोध, फिल्म में दिखाई गई राजपूताना आन बान और शान। सुप्रीम कोर्ट में फिल्म पद्मावत पर सुनवाई, निर्माता ने 4 राज्यों में बैन के खिलाफ डाली है याचिका। पद्मावत को लेकर राजस्थान में बवाल जारी, चित्तौड़गढ़ में फिल्म रिलीज होने पर जौहर क्षत्रिय मंच की महिलाओं ने जौहर के दी धमकी। बिग बॉस के बाद अगले रियलिटी शो के लिए तैयार सलमान खान, फरवरी से शुरू करेंगे 10 का दम की शूटिंग। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।